नमस्कार, हमारी मौजूदगी है मऊ में। हमारे साथ मौजूद हैं घोसी के सांसद राजीव राय जी। आइए बात करते हैं इन्हीं से। सांसद बन गए हैं आप, सदन जाने का मौका मिला आपको, सबसे पहले तो कैसा लगा आपको? आपको कैसा लगता है? जिसके लिए दशकों से आप संघर्ष कर रहे हो और जनता का भरपूर आशीर्वाद और रिकॉर्ड मतों से आप पहुंचेंगे तो अच्छा तो लगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि जितनी बड़ी जीत होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, वहाँ जाने पर अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। इसीलिए मैं परिणाम घोषित होने के बाद जब सारे लोग लखनऊ दिल्ली चले गए थे तो 3 दिन मैं क्षेत्र में था। फिर शपथ ग्रहण से पहले वापस आशीर्वाद देने आया और फिर सदन से सीधे क्षेत्र में आशीर्वाद देने आया, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा लोकसभा एक ऐसा हमारा लोकसभा का ऐसा दुर्भाग्य है कि शायद आपने भी अपनी पीढ़ी में अपने सांसद को नहीं देखा होगा। 20-25 सालों से अगर सांसद को नहीं देखा हो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनके मन में जो पीड़ा है उसको दूर करने का प्रयास करूँ, उनके बीच ही रहूँ, उनके सवालों को उठाता रहूँ। सदन में बोलने का नहीं मौका नहीं मिला और तमाम तरह की चर्चाएं क्षेत्र में हो रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कब तक नहीं देंगे? हम लोगों को पार्टी का टाइम अलॉट था, 4 बजे से मैं खड़ा था कि मैं डिंपल जी और धर्मेंद्र जी बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी को 5 बजे से आना था। ऐसा कभी संसदीय परंपरा में नहीं रही है कि पार्टी को जो सांसदों के हिसाब से टाइम अलाट होता है उसमें अगर प्रधानमंत्री आ जाए तो तुरंत बुलवा दिया जाए और पार्टियों का टाइम खत्म कर दिया जाए। मैं सदन में खड़ा होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी विरोध किया लेकिन शिकायत भी दर्ज किया और अगले सत्र में तो मौका मिलना ही मिलना है और इस बात को मैं देश के सामने रखूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और लोकसभा के अध्यक्ष जी अगर इस तरह करेंगे कि पार्टियों का समय, क्या प्रधानमंत्री जी किसी सांसद का इंतजार नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री जी 2.5 घंटा बोलेंगे और अगर 20-25 मिनट सांसदों को सुन लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना था लेकिन मैं न बोलने की वजह से खामोश नहीं रहा। उस दौरान भी मैंने मऊ के बुनकरों का सवाल लिखित रूप से धारा 377 में उठाया, नियम 377 में उठाया, लीड का मुद्दा उठाया जो ऑन रिकॉर्ड आ गया है और माननीय सड़क परिवहन मंत्री से मिलकर मैं गोपागंज के लिए जो हाईवे है उसके साथ सर्विस लेन की मांग किया, तत्काल आदेश भी किया इंस्पेक्शन करने के लिए। तो मैं वो बहाना नहीं खोजता हूँ, जरूरी नहीं कि आप खड़ा होकर बोलेंगे तभी काम होगा, दो अलग अलग विषय है। आप पार्लियामेंट में घेर कर अपने क्षेत्र के लोगों का मुद्दा उठा सकते हैं, मैंने वो काम नहीं किया। हाथरस में एक बड़ी घटना घटी है, उस पर क्या कहेंगे? जो भ्रष्टाचार जड़ों में फैल गया है, जो कि सरकार के नाम पर जो घूस और दाम बढ़ गया है, आप कोई कार्यक्रम देने जाइए स्थानीय थाने में बिना पैसे दिए होगा नहीं, और पैसे दे देंगे तो पुलिस ये नहीं देखती कि वहाँ व्यवस्था है कि नहीं है, कितनी की है। अगर प्रशासन ने अगर परमिशन दिया था तो जिम्मेदारी किसकी थी, और अगर परमिशन से अधिक संख्या में लोग आए तो जिम्मेदारी किसकी थी? इसके लिए सिर्फ सिर्फ शासन और प्रशासन जिम्मेदार है, उनका ये फेलियर है। संबंधित अधिकारियों पर भी तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए, जो भी दोषी पाए उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष की भूमिका होती है कि जो भी गलतियां हैं उसको दिखाना, मगर विपक्ष आजकल बस हर बात में विरोध करता है। तो बोलिए ना, जो यहाँ की जनता ने उनको भूमिका के ले दी है, उस भूमिका को समझ कर चुप रहे कुछ दिन। और आप लोगों से भी निवेदन है, वो बिना मतलब का क्या है, वो क्यों इतना, वो बोलते हैं तो बोलने दीजिए, कौन नोटिस ले रहा है? अपने जाके भाजपा में बोले ना, अपने गांव का खंडा बनवाए कि नहीं बनवाए, जो ऊपर से जो खाली रहते हैं लगातार बोलते रहते हैं। उनके विधायक का नाम आ रहा है नकल जो पेपर लीक हुआ है उसमें, मैंने पहले भी कहा था, मैंने इनका वो वीडियो भी देखा, इस वीडियो में वो तारीफ कसीदे कर रहे हैं कि आप खाली फार्म भरो नौकरी दिलवा देंगे, यानी आपने जानते बूझते ऐसे व्यक्ति को प्रमोट किया। पहले से भी अभी एफिडेविट भी देखा, तमाम धाराएं स्टिंग ऑपरेशन हुआ, तो मुझे तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मोहरा है सरगना खुद है। और उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उस घटना के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुस्कुराते हुए जो फोटो छपा, देश के लोगों को पता चल गया कि संरक्षण किसका प्राप्त है। जब सारे पेपर लीक हो रहे हैं, देश के नौजवानों को ठगने वाले, धोखाधड़ी करने वाले, पेपर लीक करने वाले अपने बेटे का भविष्य जो बनाने के लिए जगह जगह घूमते रहेंगे,
जैसे जनता ठुकराती रही उसे ठुकराती रही। तो ये थे घोसी के सांसद राजीव राय जी, और इन्होंने कहा है कि इस बार तो सदन में मौका नहीं मिला है, अगली बार सदन में मौका मिलेगा तो बुनकरों का, बेरोजगार युवाओं का और बढ़ती महंगाई और क्षेत्र में रुके विकास के मुद्दे को हम उठाएंगे। अब देखना ये है कि अगली बार जब सदन में मौका मिलता है तो ये बोल पाते हैं या फिर ऐसे ही जिस तरह से इनको समय दे करके बोल नहीं पाए फिर यही बातें सामने आती हैं। बाकी आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज़। मैं हूँ संजय, नमस्कार।